आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। आज जो कहानी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, ये मुझे इंस्टाग्राम पर मौसूल हुई। ये कहानी मुझे यावर अब्बास ने भेजी है और उनका कहना है ये उनके करीबी दोस्त ने भेजी है। इसे अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। इसे पढ़कर दोस्तों मेरे दिल पर तो दस्तक हुई, अगर इसे सुनकर आपके दिल पर भी दस्तक हो तो इससे हासिल होने वाले नतीजे पर गौर फिक्र जरूर कीजिएगा। हम दो भाई और एक बहन है। वालिद साहब वफात पा चुके हैं, जबकि वालिदा हम भाइयों के साथ रहती हैं। बहन की शादी को 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में मैं कभी अपनी बहन से मिलने उसके घर नहीं गया, ईद शबे बारात के मौका पर भी नहीं। सिर्फ माँ ही कभी कभार उससे मिलने जाती है। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुपकर कभी उसको साबुन देती है, कभी कपड़े और कभी सर्फ के डब्बे, और कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ से कहो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ उठाकर बहन को दे देती थी। एक दिन बहन अपने बच्चों को लेकर घर आई हुई थी कि खेलते खेलते उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने माँ से कहा, माँ बहन से बोलो हमारे घर सिर्फ ईद पर आया करे, और ये जो आप उसे साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं, बस बहुत हो गया, अब ये सिलसिला बंद कर दें। ये सब सुनकर मेरी माँ चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने मेरी ये सारी बातें सुन ली, लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना। शाम का वक्त होने वाला था, उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझे कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आए। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, अब मुझे वापस जाना चाहिए। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी लेकिन वो खामोश रही। मेरी माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। ये सब देखकर मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी, मगर वो बेचारी खामोश रही। कुछ वक्त के बाद मेरा बड़ा भाई अलहदा हो गया और माँ भी उसके साथ उसके घर चली गई। मेरी बीवी और मैं दोनों बहुत खुश थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रही और मेरे बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास जो कुछ था मैंने उसके इलाज पर लगा दिया। 1 लाख का कर्ज भी सर पर चढ़ गया। भूख सर पर थी, मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद अपने हालात पर रो रहा था कि उसी वक्त मेरी बहन घर आ गई। बीवी ने मुझे बताया तो मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने कहा, पहले ही वक्त मुश्किल चल रहा है, ऊपर से ये मनहूस भी आ गई है। मैंने बीवी से कहा, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। थोड़ी देर बाद बहन डरते डरते मेरे कमरे में आई। मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा, मगर वो आगे बढ़ी और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, वीरे मैं तेरी बड़ी बहन हूं, तुम तो मेरी गोद में खेलते रहे हो, मगर अब देखो तो जरा, मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब बैठकर उसने अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। आहिस्ता से बोली, वीरे तू क्यों परेशान होता है, तेरी बहन अभी जिंदा है, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं अपने भाई से मिलाऊं, भाई ये कंगन बेच दो, अपना खर्च चलाओ और बेटे का इलाज करवाओ। फिर वो आहिस्ता से बोली, भाई तुझे कसम लगे किसी को मत बताना कंगन के बारे में। फिर उसने मेरा माथा चूमा और 1000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने देखा वो 100-100, 50-50 के नोट थे, शायद वो मेरी बहन की कुल जमा पूंजी थी। वो जाने लगी तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, उसने टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती, फिर वो चली गई। बहन की इस मोहब्बत को देखकर उस दिन मैं मर ही गया। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनों से भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं कंगन हाथ में पकड़े रो रहा था और सोच रहा था, बेचारी अपने घर में ना जाने कितने दुख सह रही होगी,
कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछ लिया करें, वो इतने से ही खुश हो जाती हैं। यह अब मेरा जाती तजुर्बा है कि जब भी हालात खराब हों, बहनों को दावत पर बुला लिया करें, फिर देखें उनकी वजह से कैसे रिज्क मिलता है। अफसोस, हम समझते हैं कि उनके आने से खराजात बढ़ जाते हैं, या माँ अगर उनको कुछ दे देती है तो हम समझते हैं इससे हमारे घर में कुछ कमी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। जब तक हम बहनों पर मेहरबान रहते हैं, कुदरत हम पर मेहरबान रहती है, और जब हम बहनों से शफकत का हाथ उठा लेते हैं, कुदरत हमसे अपना हाथ उठा लेती है। उजैर भाई, इस कहानी को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करना, लाखों लोग आपकी आवाज और बात सुनते हैं, वो जरूर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके भी दिल पर दस्तक दी है तो इसे पाकिस्तान के कोने कोने में और पूरी दुनिया में पहुंचा दें। और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है uzairrashid103, uzairrashid103। इंस्टाग्राम पर आपके हर मैसेज का जवाब मैं खुद देता हूं। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।